हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसन। आज हम फिर से आ चुके हैं दोस्तों आपकी डिमांड पे। जैसे बहुत दिनों से पुराने लखनऊ की वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी और आप लोगों की कॉल आ रही थी, डिमांड आ रही थी कि पुराने लखनऊ में दुबग्गा या कैंपल रोड पर हमको मकान विजिट कराएं। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर हम लोग आपको मकान दिखाने आए हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहते हैं, काफ़ी तेज़ धूप है दोस्तों, वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग आए पुराने लखनऊ में दुबग्गा चौराहे से मात्र 400 मीटर की दूरी पे आपको दोस्तों ये वाला मकान दिखाने के लिए, जो कि काफ़ी बेहतरीन 3 BHK का डुप्लेक्स मकान है दोस्तों। हाफ डुप्लेक्स मकान जो है इसको बोलेंगे दोस्तों। घंटा घर से अगर हम बात करें तो ये आपका पड़ेगा मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर, और चारबाग रेलवे स्टेशन से दोस्तों मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर ये मकान है। लोकेशन दोस्तों काफ़ी प्राइम है, देख सकते हैं। जैसे कि ये मकान है, मकान के सामने ही देख सकते हैं यहाँ पे सीवर पड़े हुए हैं, इंटरलॉकिंग रोड बनी हुई है। जैसे कि पुराने लखनऊ में दोस्तों, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कि ड्रेनेज देख सकते हैं, ये ड्रेनेज है, ये नहीं कि प्लॉट में पानी जाएगा या कहीं पानी जाएगा, ये ड्रेनेज होगा। यहाँ पे भी आपको जो है नाली मिल जाती है। इस तरफ की लोकेशन देख लीजिए, और पूरा घना एरिया है दोस्तों। ये नहीं कि यहाँ पर जो है एक भी प्लॉट आपको खाली नहीं दिखेगा, पूरा घना एरिया। और ये मकान दोस्तों आपका आ रहा है टी पॉइंट पर, क्योंकि ये भी एक रोड सीधी गई हुई देख सकते हैं। ये भी एक रोड जो है आपकी सीधी है। मान लीजिए कार वगैरह जो है आपको अंदर करनी है, तो आराम से दोस्तों आपको टी पॉइंट पे मकान होने का फ़ायदा मिलेगा कि आराम से गाड़ी आप अंदर कर सकते हैं। और मकान के सामने दोस्तों पुराने लखनऊ के हिसाब से रोड भी चौड़ी है, 16 फीट की रोड दोस्तों यहाँ पे आपको मिली जा रही है। नगर निगम के अंतर्गत एरिया है। देख लीजिए दोस्तों मकान का फ्रंट एलिवेशन, जो कि काफ़ी खूबसूरत है फ्रंट एलिवेशन, और मकान का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। इसके हम साइज़ की बात करें दोस्तों, 23 फ्रंट 23 आपको फ्रंट मिल जाएगा, और गहराई मिलेगी आपको 30 30 की जो है डेप्थ मिल जाएगी। 680 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स मकान, काफ़ी प्राइम लोकेशन पे। अब आ जाते हैं हम लोग मकान के अंदर। रैम दोस्तों देख सकते हैं, बगल बगल में आपको स्लोप दी गई है कि आराम से कार अंदर कर सकें। यहाँ पे आपको सीढ़ी मिल जाती है दोस्तों। 23 फ्रंट है, 23 फ्रंट होने की वजह से मकान आपको बाहर से देखने में दोस्तों काफ़ी बड़ा और काफ़ी हैवी लग रहा है। ये मकान है 680 स्क्वायर फीट का, और इसमें दोस्तों घर के अंदर एंट्रेंस करने के लिए आपको जो है दो रास्ते मिलते हैं। एक दरवाज़ा आपको ये मिलता है और ये भी मिलता है। इधर से जाएंगे तो हम लोग निकलेंगे ड्राइंग रूम में, इधर से जाएंगे तो हम लोग निकलेंगे दोस्तों डाइनिंग स्पेस में। यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाते हैं सीढ़ी ऊपर जाने के लिए दोस्तों। यहाँ से जो है आप ऊपर जा सकते हैं, एक बेडरूम, एक वॉशरूम और एक थोड़ा सा और स्पेस आपको मिलता है ऊपर। यहाँ पर दोस्तों आप कार वगैरह अपनी खड़ी करना चाहें, छोटी गाड़ी आ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आप इन्वर्टर अपना रख लीजिएगा। यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया जाएगा, समर्सेबल इंडिविजुअल समर्सेबल है दोस्तों। इसमें MCB बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। छत पे भी देख लीजिए दोस्तों, लाइटें लगी हैं, जहाँ पे नहीं लगी हैं वहाँ पे लगा दी जाएंगी। दरवाज़ों की क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे दरवाज़ों की आपको क्वालिटी मिल जाती है। काफ़ी खूबसूरत दरवाजे दोस्तों इसमें लगे हुए हैं। तो हम लोग एंट्री करते हैं इसके डाइनिंग स्पेस में। ये डाइनिंग स्पेस, और ये है इसका ड्राॅइंग रूम स्पेस। काफ़ी बड़ा दोस्तों, फ्रंट ज़्यादा होने की वजह से मकान काफ़ी खूबसूरत हो जाता है दोस्तों। 2x4 के टाइल्स लगे हैं, 10 मान के चलिए आपको जो ये लंबा मिल रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 10x15 का दोस्तों आपको ये स्पेस मिल रहा है काफ़ी बड़ा। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बड़ी आपको विंडो मिल जाती है। इसके पीछे जो है रोड है, तो मान के चलिए अगर विंडो एसी आपको लगाना है तो ऊपर आपको 3 स्पेस दिए गए हैं, उसमें से कहीं भी आप विंडो एसी लगा सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बेहतरीन फॉल सीलिंग बनी हुई है। एसी का पॉइंट दोस्तों मिल जाता है आपको यहाँ पर, और इस वाली वॉल में देख सकते हैं दोस्तों रेड कलर का पेंट हुआ है। पूरा मकान दोस्तों रेडी टू मूव है, रेडी टू मूव पूरा मकान है। और इस मकान पे दोस्तों बहुत इजीली आपका लोन हो जाएगा, 90% लोन मान के चलिए हो जाएगा। और ये स्पेस हो दोस्तों हो गया आपका डाइनिंग स्पेस। इधर से एंट्री करेंगे तो डाइनिंग स्पेस में आएंगे, और इसके जस्ट बगल में कॉमन वॉशरूम आपको मिलता है, जिसका साइज दोस्तों आपको मिला है लगभग 5x6.5। काफ़ी चौड़ा है, टाइल्स वगैरह सब लगे हुए हैं, वेस्टर्न सीट इसमें लग जाएगी दोस्तों। आपकी डिमांड पे अगर आप कहेंगे तो इंडियन भी लग जाएगी। बाकी यहाँ पे दोस्तों एक वॉश बेसिन लगेगा, एक टैप आपको यहाँ भी दिया गया है। एक बार इधर से जो है दिखाइए, और ये दोस्तों डाइनिंग स्पेस, इधर किचन। छत पे देख सकते हैं दोस्तों फॉल सीलिंग बनी हुई है, काफ़ी बेहतरीन फॉल सीलिंग। और वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको OTS दिया गया है, वॉशरूम के ऊपर आपको मिलता है OTS। और ये दोस्तों हो गया आपका किचन। किचन दोस्तों जैसा है ऐसे ही किचन यहाँ पे जो है दिया जाएगा। रह के आपको बनाना है, मॉड्यूलर करवाना है, तो आप खुद जो है इसको करवा सकते हैं। ये किचन हो गया, ये डाइनिंग स्पेस हो गया, और किचन के बाद दोस्तों आपको मिलता है OTS। कि किचन में भी वेंटिलेशन जो है इसी OTS से आपको मिलता रहे, यहाँ पर आराम से मिलता रहेगा। किचन की खिड़की खोल लेंगे दोस्तों, वेंटिलेशन आराम से आएगा। और किचन के ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको दोस्तों फॉल सीलिंग मिलती है,
और उसके बाद दोस्तों एक बेडरूम आपको ये मिलता है, एक बेडरूम जो है ये है और एक बेडरूम ऊपर है दोस्तों। 3 BHK का मकान है, एक बेडरूम ये है और इसका साइज की बात करें बहुत बड़ा साइज है, 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 10 तो ये चौड़ा हो गया, 1, 2, 3, 12 और 2, 14 14 बाई 10 का दोस्तों आपको ये रूम का साइज मिला है, जो कि काफी बड़ा साइज हुआ। मकान में देख सकते हैं पूरे में दोस्तों पेंट हो चुका है और पूरा मकान कॉलम पे बना है और लटक बीम पे भी बना है, ऊपर जो है लटक बीम है। और फॉल्सलिंग देख सकते हैं पूरे मकान में आपको फॉल्सलिंग मिल जाएगी। और इसमें दोस्तों एक फायदा है कि यहाँ पे आपको एक विंडो एसी का स्पेस दिया गया है, ये स्पेस पूरा ओपन है, यहाँ पे दोस्तों बहुत इजीली आपकी विंडो एसी लग जाएगी और ये उसको उसका जो है पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्प्लिट एसी लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपकी जो है विंडो लग जाएगी, स्विच सॉकेट वगैरह सारी चीज़ें लगी हैं। दरवाजे क्वालिटी देख लीजिए काफ़ी अच्छी है। तो नीचे का मकान दोस्तों पूरा कवर हो गया, अब हम ऊपर से चल के आपको दिखाते हैं। तो ये जीने हैं दोस्तों, लगभग 3.5 फीट जो जीनों का साइज मिला जा रहा है और स्टील वाली रेलिंग जो है यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद ऊपर एंट्री करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन को खूबसूरत करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये आपको वुडन का वर्क मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाती है दोस्तों बालकनी, देख सकते हैं ये जो है लगभग 3 फीट की आपको बालकनी स्पेस, टफन ग्लास जो है यहाँ पे लगे हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं कमरा, एक रूम जो है आपको ये मिलता है, इसमें दोस्तों आप इधर से रूम में एंट्री कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट छत पे जा सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों आप ममटी में जा सकते हैं ऊपर। तो ये रूम का साइज़ भी बहुत बेहतरीन है, 10 बाई 13 का दोस्तों आपको इसका साइज़ मिला जा रहा है। यहाँ पे आपको दोस्तों काफ़ी बड़ी खिड़की, तो यहाँ पे जो है विंडो एसी आप लगा सकते हैं, इसके ऊपर जो है काफ़ी बेहतरीन फॉल सीलिंग। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि मकान रेडी टू मूव है, तुरंत आप लीजिए आके शिफ्ट होइए। ये एक एंट्री भी देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर वाला वॉशरूम दोस्तों आपको ये मिलता है, ये ऊपर का वॉशरूम है और भी कुछ चौकोवर है, मान के चलिए 7 बाई 7 जो है इसका साइज आपको मिला जा रहा है, इंडियन सीट इसमें लगी है और ये इसकी छत है दोस्तों। मकान का जैसे कि मैंने आपको डायमेंशन बताई थी 23 बाई 30, तो मान के चलिए डायमेंशन भी बहुत बेहतरीन डायमेंशन, 23 बाई 30, 680 स्क्वायर फीट काफ़ी खूबसूरत। और पीछे से आप देख सकते हैं ये सब जो मकान बने हैं कितने बेहतरीन मकान बने और काफ़ी बड़े बड़े अच्छे मकान बने, तो इनको देख के ये लगता है कि लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है और लोकेलिटी काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छे लोग जो हैं इस एरिए में रहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो ऊपर गई थी ममटी, आइए आपको वो भी दिखा दें। तो ये जो है आपकी ऊपर की ममटी है, देख सकते हैं ये स्पेस आपको मिलता है और सबसे ऊपर जो है ये डोर आपका लगा हुआ है, ये देखिए ये सबसे ऊपर है, सीलिंग का यूज़ है। बाकी यहाँ से आप लोकेशन देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल घना एरिया है, बिल्कुल डेवलप आबादी है, सारी सुविधाएं दोस्तों आसपास में मिल जाएंगी, सारे फैसिलिटी जो है यहाँ पे आपको आसपास में मिल जाएंगी। सामने हमने मकान देख लीजिए, काफ़ी अच्छे मकान हैं। तो हम बात करते हैं इस मकान के रेट की दोस्तों, इसका जो रेट है वो है 35.5 लाख रुपये, 680 स्क्वायर फीट का मकान है, 35.5 लाख रुपये का दोस्तों ये मकान है। इसमें 85 से 90% दोस्तों लोन हो जाएगा और एक ही मकान है, इसलिए आप जल्दी जल्दी आइए इस मकान को विजिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।